जगह भारत की जनता एक सक्षम भारत देखना चाहती है, एक समृद्ध भारत देखना चाहती है और एक आत्मनिर्भर भारत देखना चाहती है, और यह संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा विश्वास है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सभी लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसके लिए आतुर हैं, हर एक जगह मैंने देखा। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से एनडीए 400 पार कर रही है। जनता ने एक ही बात ध्यान में रखी, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश सुरक्षित है, देश संबल हाथों में है, मजबूत हाथों में है, देश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते आपको ये भी बता देते हैं कि गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन ने चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार काजल निषाद पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम के ध्यान पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष पर प्रहार किया। रोना नहीं पड़ता अगर कुछ किए होते 5 साल में, तो फिर रोने की नौबत नहीं आती। आदमी रोता होता है, सब काम करोगे तो आपको रोना नहीं, जब आप काम करोगे तो आपको रोना नहीं है। निषाद के नाम पर आप उन भोली जनता को कब तक बेवकूफ बनाओगे? आगे चंदा लूटना, फिर 5 साल गायब हो जाना, हर बार चुनाव। हाँ, देखा थे लेला। तो वही प्रधानमंत्री ध्यान में बैठे हुए हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कांग्रेस लगातार अटैकिंग कर रही है। देखिए, भूत प्रेत पिशाच होता है, जैसे आप ही के शरीर में भूत होगा, आत्मा होगी, तो आप हमारा भगवा या रुद्राक्ष देख के छटपटाने लगोगे, क्योंकि आपके अंदर एक पिशाच होगा। विपक्षियों में भूत प्रेत पिशाच है, उनमें आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं हैं, उनको अपना इलाज करवाना चाहिए, या तो मोदी जी के पद चिन्हों में आना चाहिए, या मोदी जी जहां गए साधना में वहां उनको बैठना चाहिए। सब ये सब भूत, इनके अंदर आत्माएं होती हैं, जो जैसे भगवा दिखा दे तो आत्मा लोग नाचे लगन। तो देखिए, ये रवि किशन का अंदाज है, अपने ही अंदाज में बोलते हैं और भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या उन्होंने कह दिया है, और साथ ही जाति की भी बात उन्होंने की है। निषाद की उन्होंने कहा कि निषाद रहने से ऐसा नहीं होता है कि वो निषादों का वोट पालेंगे। अब इस पर गोरखपुर के एसपी प्रत्याशी काजल निषाद का जन्मदिन भी है, ऐसे में काजल ने गिफ्ट के तौर पर जनता से वोट का आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा भी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पेपर लीक की समस्या यहाँ हो रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जैसे साइकिल का बटन दबेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। क्या लग रहा है उसमें, इंडिया गठबंधन को कहाँ देख रही है? बहुत ऊपर देख रही हूँ और जीत की तरफ देख रही हूँ, ऐतिहासिक जीत हो रही है। आज आपका बर्थडे भी है, बर्थडे पे आप क्या जनता से अपील करेंगे? मैं जनता से इतना अपील करना चाहूंगी कि धन्य है गोरखपुर की धरती और धन्यवाद मेरी जनता का कि जो जन्मदिन का तोहफा मुझे साइकिल का बटन दबाकर आप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए।